तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। दोस्तों, ये साल फिल्मों की कमाई के लिहाज से मिला जुला रहा है। साउथ सिनेमा ने तो जमकर कमाई की है, लेकिन बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा है। इस साल कई बड़े सितारों की फिल्में फ्लॉप ही नहीं डिजास्टर साबित हुई है। आइए टॉप 5 डिजास्टर फिल्मों के बारे में जानते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है फिल्म राधे श्याम, स्टारिंग प्रभास, पूजा हेगड़े, भाग्यश्री एंड कृष्णम राजू। कहते हैं इन्हें समय से आगे दिखता है। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा सब पढ़ लिया मैंने। सुपरस्टार प्रभास और साउथ सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा पूजा हेगड़े की पीरियड साईफाई रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम को 300 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म ने महज 101 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो हाथ देखकर फ्यूचर बताने के साथ साथ टोन सुनकर पास भी बता दे दो क्या? अब इनकी डेथ की वजह, जगह और तारीख भी बता दो। इस फिल्म की रिलीज से पहले सुपरस्टार प्रभास की वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी। दूसरी वजह फिल्म का मेगा बजट भी था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आने के बाद फिल्म का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। फिर से पढ़ो मेरा हाथ, दूसरी बार पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है फिल्म समसेरा, स्टारिंग रणवीर कपूर, वाणी कपूर, रोनित रॉय, सौरभ शुक्ला एंड संजय दत्त। पागल हो गया, अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला कहाँ हूँ, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू। फिल्म समसेरा की कहानी उसी दौर में रची गई है जिसमें यशराज फिल्म्स ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी, लेकिन अफसोस रणवीर कपूर की इस फिल्म का भी वही हाल हुआ है जो आमिर खान की फिल्म का हुआ था। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा, शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। फिल्म में भव्यता के नाम पर मेकर्स ने दर्शकों के साथ मजाक किया है। हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जॉनी डेप बनने की कोशिश में रणवीर कपूर जोकर से लगे हैं। 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 40 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है? त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, स्टारिंग अक्षय कुमार, संजय दत्त, मानुषी छिल्लर एंड सोनू सूद। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों बनेगा ये प्रण लेगा। हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज को वैसे तो लंबे रिसर्च के बाद बनाया गया था, लेकिन 220 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने महज 66 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। फिल्म में अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया था। इस फिल्म से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अक्षय कुमार सम्राट के किरदार में जोकर जैसे लगे हैं, उनके अंदर फिल्म बाला वाला किरदार नजर आ रहा था। अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है फिल्म लाल सिंह चड्ढा, स्टारिंग आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य एंड मानो बीज। जो भी हुंदा है वो हम कर दे या फिर हम हवा विच एवं ही उड़ते फिर दे यहाँ से वहाँ। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गम को हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म में गिना जाता है। फिल्म में टॉम हैंक्स की दमदार एक्टिंग देखने को मिली थी, यही वजह है कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद लोग आमिर और टॉम की तुलना करने लगे थे। रूपा, मेरे साथ ब्याह करेगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। 180 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने महज 61 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरी तरफ बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम का असर भी इस फिल्म पर पड़ गया। आमिर से नाराज लोगों ने पूरी तरह से फिल्म का बहिष्कार कर दिया। इसी वजह से फिल्म डिजास्टर हो गई और अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं पड़ता। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है फिल्म लाइगर, स्टारिंग विजय देवराकोंडा, अनन्या पांडे, चंकी पांडे एंड माइक टाइसन। एक लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्रॉस ब्रीड है मेरा बेटा। फिल्म में विजय देवराकोंडा ने एक फाइटर का किरदार किया है जो कि हकलाता है, इसीलिए उसका हर जगह मजाक बनता है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा और हिम्मत के दम पर सबका मुंह बंद कर देता है। एक 120 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने महज 41 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को निराश कर दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
gotta give him. So let's get it.